हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार अपडेट के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो देने वाला हो। जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी कैंडिडेटों का रेगुलरली वेट था कि जो राजस्थान जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है उसकी लिस्ट कब तक जारी की जाएगी, यानी कि राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की जो परिवेदना लिस्ट है वो कब तक जारी की जाएगी। तो फाइनली जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि कल शाम को एक लिस्ट आने वाली है, तो फाइनली जो लिस्ट है वो आ चुकी है। उस वह कौन सी लिस्ट आई है, यानी कि जो फाइनल रिजल्ट की लिस्ट आई है, या फिर जो कैंडिडेट को गलत भरे गए थे फॉर्म, या फिर जो कैंडिडेट को लेट फॉर्म भरवाए गए थे उनकी लिस्ट आई है, तो उसके बारे में यहाँ पर जो अपडेट है मैं वो देने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लीजिए, वन बाई वन मैं आपको यहाँ पर स्टेट कंप्लीटली डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर रेगुलरली इसे शेयर कर दें, जिससे ऐसे अपडेट हम आपके पास टाइम से लाते रहें, ठीक है। इसके अंदर देख लीजिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशन, यानी कि कोर्ट के जो नियम है उसके अनुसार नर्सिंग ऑफिसर के पदों में जो पेंडिंग आवेदन थे, यानी कि जो कैंडिडेट किसी भी कारणवश से आवेदन नहीं कर पाए थे और जो पेंडिंग आवेदन थे उनकी आईडी जनरेट नहीं की गई थी, तो उनके द्वारा मूल आवेदन में अंकित किसी को क्या था, कोई मान लीजिए कोई ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट था तो उसको उसके अंदर गलती से जनरल भरा गया था, या फिर ओबीसी सीएल की जगह उसको एनसीएल भरा गया था, तो ऐसी चीज़ों को अपडेट करवा के उन्होंने जो लिस्ट है वो दोबारा से की गई थी। फाइनली जो उसकी लिस्ट है वो आ चुकी है, और उस लिस्ट के अंदर जो कैंडिडेट हैं किन किन के नाम आए हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस वैकेंसीज के अंदर कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होंगे, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बाद में बताने वाला हूँ। लास्ट के अंदर बताऊंगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कब करे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, इसके अंदर जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये अजय कुमार जी हैं, ठीक है। इसका जो एप्लीकेंट आईडी यहाँ पर दी गई है, इन्होंने कैटेगरी कौन सी अप्लाइड की थी, एमबीसी सीएल अप्लाइड की थी, ठीक है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, ये गलती से एनसीएल के अंदर आते हैं, एमबीसी एनसीएल के अंदर आते हैं, लेकिन इन्हें एमबीसी सीएल अप्लाइड किया था, बाद में इन्हें सही करके और इन्होंने क्या कर दिया, एमबीसी सीएल से एमबीसी एनसीएल, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसके अंदर फर्जी भी नेम आए हैं, ये चीज़ मैं आपको कंफर्म कर दावे के साथ बोल रहा हूँ, इसके अंदर फर्जी नाम भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। वो क्यों दिए गए हैं वो चीज़ भी आपको यहाँ मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। इसके अंदर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर देख लीजिए एग्जांपल लेते हैं हम कि जो अमन गढ़वाल जी हैं इनका देख लीजिए, एससी कैटेगरी, यानी इन्होंने क्या था, कैटेगरी सही भर रखा है, अपनी कंप्लीट डिटेल भर रखी है, लेकिन इन्होंने मार्क में, यानी कि इनके मार्क में दिक्कत थी और वो मार्क बड़े हैं, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क कम भी हो सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसमें ये कैटेगरी जिन्होंने कैटेगरी में दिक्कत गड़बड़ी की है तो इनकी कैटेगरी में भी दिक्कत हो सकती है, ऐसा कोई इशू, लेकिन जिन कैंडिडेटों ने एक्सपीरियंस लिखा है, यानी कि जिन कैंडिडेटों ने पहले एक्सपीरियंस नहीं लगाया था और बाद में एक्सपीरियंस लगाया था, तो वो कैंडिडेट उनमें से ज़्यादातर उनमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने बाद में एक्सपीरियंस बनवाया है, यानी कि उन कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान ऑटोमेटिकली निकाल दिया जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो कि ओरिजिनल एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, जिन्होंने लोकल एक्सपीरियंस बनवा के रखा है वो उनका जो एक्सपीरियंस है उनको कैंडिडेटों को हटा दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर जो लिस्ट के अंदर नाम आए हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके अंदर जो लिस्ट के अंदर आपको नाम देखने को मिल जाएंगे, ये नाम है 600 प्लस, ठीक है, 600 प्लस कैंडिडेटों को यहाँ पर दोबारा से डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि 600 प्लस कैंडिडेटों को यहाँ पर फिर से ज्वाइनिंग की तैयारियाँ चल सकती है। इसमें से कुछ कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, क्योंकि जिन्होंने फर्जी एक्सपीरियंस बनवाया है तो वो कैंडिडेट यहाँ पर बाहर होने वाले हैं। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, अगर मैं आपको डेट के बारे में डिस्कस कर दूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डेट, कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो कब होंगे, तो मैं आपको बता दूँ 29 सितंबर से लेकर और 30 सितंबर, यानी कि 29 और 30 सितंबर को आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो करवाए जाएंगे। इनकी 2 दिन आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन है वो चलने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेटों का इस लिस्ट के अंदर नाम आया है वो अपना लिस्ट के अंदर नाम देख लें और जाके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं, क्योंकि आपके लिए बहुत ही है, फिर दोबारा से चांस दिया गया है कोर्ट की तरफ से, आपको यहाँ पर चांस दिया गया है, तो ये चांस को आप मिस ना करें और जाके अपना जो चांस है वो जरूर लें, ठीक है। तो यही अपडेट आपको देनी थी, जैसे ही फाइनल लिस्ट आती है मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय।